मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने पर उन्होंने रविवार को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। जेल जाने से पहले उन्होंने अपने माता पिता के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही अपने बच्चों को भी गले लगाया। इस दौरान वह भावुक नजर आए। आवास से निकलने के बाद वह अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी नेताओं के साथ राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। उनके साथ मौजूद अन्य आप नेताओं ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वह पार्टी नेताओं के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। यहाँ उन्होंने भक्ति भाव से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। यहाँ वह दोनों हाथ जोड़े खड़े नजर आए। पूजा अर्चना करने के बाद वह DDU मार्ग में आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। यहाँ सड़क के आसपास कार्यकर्ता उनका समर्थन करते दिखे। ऐसे में वह अपने आवास से निकलने के बाद और तिहाड़ जेल पहुंचने तक अलग अलग अंदाज में नजर आए। केजरीवाल ने आवास से निकलते ही गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाकर बाहर खड़े अपने समर्थकों का अभिवादन किया, साथ ही कुछ सेकंड गाड़ी भी रोकी। उसके बाद अपने साथियों के साथ वह राजघाट की ओर रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और आतिशी समेत उनके कई सहयोगी साथ थे। उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक भी ली। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ सांसद, मंत्री व नेता मौजूद रहे। सिविल लाइन्स स्थित केजरीवाल के आवास में सुबह से पार्टी नेताओं का आना जाना लगा था। हर कोई जेल जाने से पहले उनसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था। जैसे ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने काफिले के साथ यहां पहुंचे, वैसे ही आसपास चहलकदमी तेज हो गई। दोपहर तक उनके आवास में पार्टी के नेताओं का तांता लगा रहा। वह अपने आवास से दोपहर 3 बजे से पहले ही निकल गए थे। जेल जाने से पहले केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। मुख्यमंत्री आवास को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। स्थानीय पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों व रैपिड एक्शन फोर्स की कई टुकड़ियां तैनात की गई थीं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी समेत कई थाने के प्रभारी मौके पर डटे रहे। पुलिस ने सीएम आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर रखी थी। सीएम आवास के बाहर धारा 144 लगाकर थी। पुलिस आवास की ओर आने जाने वाले लोगों को पूछताछ करने के बाद ही प्रवेश दे रही थी। यहाँ आने वाले वाहनों की भी जाँच की जा रही थी। जिसके पास उचित दस्तावेज नहीं थे, उन्हें वापस भेजा जा रहा था। केजरीवाल के पार्टी मुख्यालय में आते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। हर कोई उन्हें जेल जाने से पहले एक बार देखने को बेताब नजर आया। मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान वह कुछ कार्यकर्ताओं से गले मिले और उनका धन्यवाद करते दिखे। आप मुख्यालय के बाहर स्थित जनरेटर में आग लग गई थी। इस दौरान वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के वाटर कैनन वाहन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। हालांकि सूचना मिलने के बाद ही दमकल विभाग की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया।